नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 27 जून 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन गिवन द ई पंचायत अवार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार को पहली बार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग को दिया गया है। और बात है हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश के रूप में लिंगप्पन नारायण यहाँ पर कार्यरत हैं। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 68 है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रज्ञान भारती योजना किसने चलाई है? तो हु हैज रन द प्रज्ञान भारती स्कीम? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। तो असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना को विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाया है। बात है असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो है सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर के रूप में यहाँ पर जगदीश मुखी जी कार्यरत हैं। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। और टोटल विधानसभा सीटों की संख्या असम राज्य में 126 है, 126। और असम राज्य का फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देविका और पुनेजा ब्रिज निर्माण कहाँ हुआ है? तो वेयर इज देविका एंड पुनेजा ब्रिज कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज निर्माण हुआ है। तो अभी अपने देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है में इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। और यह ब्रिज क्रमशः जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुनेजा नाम से बनाए गए हैं। और बात है जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर राज्य की डल झील और बुलर झील फेमस झील है, इनको आप नोट करिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात राज्य में कौन लोकायुक्त बनाया है? तो हु हैज़ बिकम लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ गुजरात? ऑप्शन है फर्स्ट बनवारी लाल पुरोहित, सेकेंड ऑप्शन है दीपांकर दत्ता, थर्ड ऑप्शन है अनंत मनोहर बदर, फोर्थ ऑप्शन है राजेश शुक्ला। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, राजेश शुक्ला। मींस जस्टिस राजेश शुक्ला को अभी हाल में ही गुजरात राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बात है गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ पर जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। और गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में देश का पहले नंबर का राज्य है और गुजरात राज्य में ही सुजलाम सुफलाम जन संचय अभियान चलाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केरल राज्य में न्यायाधीश कौन बना है? तो हु हैज़ बिकम ए जज इन द स्टेट ऑफ केरल? तो ऑप्शन है फर्स्ट बनवारी लाल पुरोहित, सेकंड ऑप्शन है दीपांकर दत्ता, थर्ड ऑप्शन है अनंत मनोहर बदर, फोर्थ ऑप्शन है राजेश शुक्ला। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनंत मनोहर बदर। ये अभी हाल में केरल राज्य के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और ये केरल राज्य की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल राज्य के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एस मणिशंकर कार्यरत हैं। और केरल राज्य ने अभी हाल में ही तिरंगा पहल चलाई थी और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी कोरोना के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता लाने के उद्देश्य से चलाया था। और अभी केरल राज्य ने रिसेंटली आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना शुरू की है, गरीब विद्यार्थियों के लिए इस योजना को शुरू किया है। और इसमें केरल राज्य सरकार 15,000 रुपये तक के लैपटॉप की कीमत को देने के लिए मदद करेगी और इसमें 500 रुपये प्रति माह देकर 30 माह के लिए इसकी किस्त बन जाएगी जिसके द्वारा विद्यार्थी गरीब तबके के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
ई ब्लड सर्विसेज सेवा का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द ई ब्लड सर्विसेज? ऑप्शन है फर्स्ट प्रकाश जावड़ेकर, सेकंड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अपने देश के हैं और इस सेवा को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है। इसमें चार यूनिट तक का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चार यूनिट तक का ब्लड जरूरत पड़ने पर प्रति व्यक्ति को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑर्डर देने पर पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें ऐप के माध्यम से रक्त की उपलब्धता की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस हॉलीवुड फिल्म निर्देशक का निधन हुआ है? तो विच हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर डेड? ऑप्शन है फर्स्ट जोएल सुमाकर, सेकंड ऑप्शन है के कैंपेबल, थर्ड ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जोएल सुमाकर, अभी हाल में इनका निधन हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है फर्स्ट फेसबुक, सेकंड ऑप्शन है इंफोसिस, थर्ड ऑप्शन है इंटेल, फोर्थ ऑप्शन है IBM। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 IBM। तो IBM ने अभी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो IBM जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं ने भारत में MSDE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम हिंदी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नाम से जानते हैं के साथ समझौता कर इसे लॉन्च किया है और इसमें स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले तथा बिजनेसमैन को सुविधाएं दी जाएंगी उनके कार्य क्षेत्र के इम्प्रूवमेंट के लिए। और बात यहाँ पे IBM की, तो यहाँ पर IBM की स्थापना 16 जून 1911 मतलब 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके CEO है अरविंद कृष्णा और अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर जिम वाइट हर्स्ट कार्यरत हैं। बात है MSDE की, तो ये भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस द विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने लोक कलाकारों के लिए लोक तमाशा के लोक कलाकारों में से एक गुलाब बाई संगम नेरकर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। बात है महाराष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी है मुंबई और यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता और महाराष्ट्र राज्य में 288 मतलब 288 विधानसभा सीटें हैं। और अभी हाल में ही महाराष्ट्र राज्य के पुणे सिटी में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप खोले गए हैं। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति स्वयं जाकर अपना पेट्रोल गाड़ी में डला सकता है, मतलब खुद ही उसको डाल के उपयोग में ला सकता है और वहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरीके से वो पेट्रोल अपने गाड़ी में डालेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर वेबिनार किसने आयोजित किया है? तो ऑप्शन है फर्स्ट शहरी विकास मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पर्यटन मंत्रालय ने अभी हाल में ही इस वेबिनार प्रोग्राम को शुरू किया आयोजित किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मल्लाय दिवस मनाते हैं तो वेन बी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मल्लाय दिवस? ऑप्शन है फर्स्ट 23 जून, सेकंड ऑप्शन है 24 जून, थर्ड ऑप्शन है 25 जून, फोर्थ ऑप्शन है 26 जून। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 25 जून को इस दिवस को मनाया गया है और इसको मनाने की घोषणा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसको IMO के नाम से जानते हैं द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को IMO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके महासचिव है किटेक लिम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए NTPC से कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विच कंट्री हैज कॉन्ट्रैक्टेड NTPC फॉर सोलर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है फर्स्ट फिलीपींस, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है माली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 माली। हाल ही में माली गणराज्य ने 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का ठेका NTPC
को दिया है और इसमें केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और बात यहाँ पे एनटीपीसी की, तो इसको हम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी और चेयरमैन हैं इसके गुरदीप सिंह। और बात यहाँ पे माली की, तो माली राज्य की राजधानी है बमाको, यहाँ की मुद्रा है फ्रांक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बोबकर कीटा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में किसने शामिल होने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन द यूएन आर्म ट्रेड ट्रीटी? ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चीन। तो हाल ही में चीन ने इस संधि में अभी शामिल होने की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, चीन ने अपने यहाँ मैगलेव ट्रेन का, जिसकी हाई स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, उसका सफल परीक्षण किया है। और अभी कल के दिन चीन ने बीडंग नेविगेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सिस्टम के अगेंस्ट में अपना खुद का चीन ने बीडंग नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्लाइमेट प्लेज फंड देने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस टू गिव क्लाइमेट प्लेज फंड? ऑप्शन है फर्स्ट ट्विटर, सेकंड अमेजोन, थर्ड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, फोर्थ ऑप्शन है फेसबुक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमेजोन। अमेजोन ने इस घोषणा को किया है, और अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे अमीर व्यक्ति हैं। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने निजी निवेशकों के लिए कौन सा स्पेस प्रोग्राम शुरू किया है? तो ऑप्शन है फर्स्ट डिजिटल स्पेस, सेकेंड ऑप्शन है आई एन स्पेस, थर्ड ऑप्शन है मिशन स्पेस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। विच स्पेस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आई एन स्पेस। मतलब आई एन स्पेस को अभी हाल में ही अंतरिक्ष में खोजों के लिए विदेशी या अपने देश के जितने भी निजी निवेशक हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और इसरो के कोलाबोरेशन के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर आई एन स्पेस का नाम है जिसको हम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के नाम से जानेंगे, और जिसका काम कोलाबोरेशन मतलब इसरो के साथ निजी क्षेत्र के जितने भी बड़े व्यक्ति हैं वो उसमें भागीदारी करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे एक पॉइंट और है आपके लिए इम्पोर्टेंट, कि अभी उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमितों के लिए रेल डिब्बों का परिचालन मतलब आइसोलेशन यूनिट के रूप में शुरू किया है। मतलब देश का पहला राज्य जिसने रेल डिब्बों को आइसोलेशन यूनिट के तौर पर परिचालन करना स्टार्ट किया, जिसमें कोरोना संक्रमितों को रखा जाएगा। और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जादू होल्डिंग्स ने किस में इन्वेस्ट किया है? तो जादू होल्डिंग्स हैज इन्वेस्टेड इन, ऑप्शन है फर्स्ट जियो, सेकंड ऑप्शन है फेसबुक, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल, फोर्थ ऑप्शन है आइडिया। तो यहाँ पे जादू होल्डिंग्स क्या है कि फेसबुक की एक सहायक कंपनी है, और अभी CCI जिसको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं ने फेसबुक की इस सहायक कंपनी को जिसको हम जादू होल्डिंग्स के नाम से जानते हैं को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी करने के लिए मंजूरी दी है। और बात यहाँ पे CCI की, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है अशोक गुप्ता। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज के कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल की PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। और किसी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित करें। इसी के साथ आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।